हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट के विषय में, केवीएस रिक्रूटमेंट के विषय में, किस किस विषय में वैकेंसीज है, बेसिक से लेके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें, और पीएचडी की वैकेंट सीटों की जानकारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पीएचडी पर विजिट करें। अपनी आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय की। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और कवर करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस और ज्योग्राफी के लिए वैकेंसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन कंसर्न सब्जेक्ट, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस को छोड़कर। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकें, इसमें प्रोफिशिएंस होने चाहिए। डिजायरेबल की बात करते हैं तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल में फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस ओनली। कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, उसके लिए दिया हुआ है। टीजीटी की बात करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज और संस्कृत, 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट, द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड द लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर फॉर टीजीटी संस्कृत, संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। ठीक है, आपका संस्कृत तीनों साल में होना चाहिए। बाकी लंबी चौड़ी डिटेल दी हुई है, जिस भी विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके पढ़ ले, वरना मैं अभी लिंक बता लेती हूँ, आप वहाँ से जा करके जो है कि स्वयं पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। प्राइमरी टीचर के लिए आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस एक्सपर्ट्स के लिए भी है, नर्स के लिए है, काउंसलर के लिए है। नोट यहाँ पर आप पूरा पढ़ लें। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं तो रिटेन टेस्ट में बी कंडक्टेड इन नेसेसरी फॉर दिस सी स्कूल वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो है कि 15 फरवरी 2021 फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन विजिट केवीएस वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर, और यहाँ से आपको इस वेबसाइट से जो है कि सारी जो है पीडीएफ्स मिल जाएंगी। no1jammu.kvs.ac.in। ठीक है, 15 फरवरी तक जो है रिटन टेस्ट में भी कंडक्टेड इफ नेसेसरी, रिटन टेस्ट अगर जरूरी लगा तो कंडक्ट होगा फॉर दिस सी स्कूल वेबसाइट आफ्टर 15 फरवरी 2021। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे मेंशन किया गया द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मस्ट रीच इट दिस विद्यालय लेटेस्ट बाय 15 फरवरी 2021। यानी कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपका जो है दिए हुए पते पे 15 फरवरी तक पहुँच जाना चाहिए, उसके पहले ही पहुँच जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। 15 फरवरी 2021 द एप्लीकेशन फॉर्म मे बी सेंड बाई स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रार पोस्ट, द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, और यहाँ पे फॉर डिटेल एडवर्टीजमेंट प्लीज़ विजिट विद्यालय वेबसाइट, यहाँ पे है no1jammu.kvs.ac.in। मैं अभी आपको ले चल के यहाँ पर दिखा देती हूँ, आप इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। प्रेषित किए जाने वाले लिफाफे पर पदों का नाम अवश्य लिखें, लिखित परीक्षा साक्षात्कार दिनांक के बारे में सूचना विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आवेदन के लिए सभी अभ्यर्थियों को विद्यालय की वेबसाइट 15 से नियमित देखे जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो आप लगातार विजिट करते रहें और देख लीजिए स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि 7 रजिस्टर डॉक द्वारा
इस विद्यालय में 15 फरवरी 2021 तक जमा किया जा सकता है। स्थिति के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रमाण पत्रों के साथ भेजें। प्रेषित किए जाने वाले लिफाफों पर पदों का नाम अवश्य लिखें। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बारे में सूचना विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को विद्यालय की वेबसाइट 15 फरवरी 2021 से नियमित देखे जाने की सलाह दी जाती है। तो सारी डिटेल तो मैंने आपको बता दी। चलिए लेके चलते हैं आपको वेबसाइट पर और आपको दिखा देते हैं कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हम केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में ऊपर ही यहाँ पे है पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर इंटरव्यू नोटिस 2020-21 और ये है एप्लीकेशन फॉर्म। आप इन दोनों को ही डाउनलोड कर लें। पब्लिश डेट 22 जनवरी 2021 दिया हुआ है। देख लीजिए ये वही लिंक है, ऊपर दिया भी हुआ है, लिखा है एड्रेस बार में NO1JammuKVS.ac.in स्कूल अनाउंसमेंट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो संबंधित क्षेत्र के लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में जो है कि UGC नेट फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट UGC नेट फर्स्ट पेपर पर विजिट करें। उसमें जो है प्रीवियस ईयर्स के जो है कि आपको एनालाइज पेपर एनालाइज विद आंसर मिलेंगे। साथ ही साथ में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं जिसे कि आप अगर लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बहुत ही अधिक सहायता मिलेगी। और साथ ही साथ में आपको पेपर का पैटर्न भी समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। हालांकि NTA में जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन अब कम ही पूछे जाते हैं मगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो ज़रूर वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ में जो सिलेबस वगैरह होते हैं वो भी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। साथ ही साथ में हम अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स भी कवर करते हैं इस चैनल पर और जो है कि समय समय पर हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन भी करते हैं। जो भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा बार पूछते हैं उसके जो है कि वीडियोज़ बना करके आपको जो है कि आपकी जो भी समस्याएँ होती हैं उनका समाधान करते हैं महत्वपूर्ण सवाल जवाब सेशन में। तो आप भी हमसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि शिक्षा और करियर से संबंधित ही होने चाहिए। और जो है कि PhD के लिए जो भी आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में जो भी रीज़न बोला था और जो भी क्षेत्र बताया था कि उससे संबंधित क्षेत्र के लिए भी एडवर्टीजमेंट दें और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी साउथ के तरफ से भेजने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं साउथ के तरफ की वैकेंसी और जो PhD का है साउथ की तरफ से भी लोगों ने कहा था तो मैं साउथ के तरफ का भी कवर कर सकूं अपने चैनल पर। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं साउथ से रिलेटेड वैकेंसीज भी रिक्रूटमेंट भी आपको प्रोवाइड कराऊं इस चैनल के माध्यम से। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।